लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक रब अंबर पे होता है, एक रब धरती पे होता है। अंबर तक पहुंचा हमको नहीं पता, धरती पे जो रब होता है वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता। पहला धर्म है जिसका अपना घर संसार, सबसे पहला धर्म है जिसका अपना घर संसार, सबसे पहला कर्म है जिसका अपनों का उद्धार। उसके बिना हम कौन, उसके बिना हम कौन, हमको नहीं पता, धरती पे जो रब होता है वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता। प्रणाम भाई। अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ प्रणाम। इंतजाम सब ठीक है? ला रहे हमरा ड्रिंक वा। का रे उद्या, कितने के ला रहे बैल? अरे ऐसन जोड़ी लाया हूँ जिसकी कीमत ही नहीं हो सकती। अच्छा, फिर भी जीतेंगे तो मेरे ही बैल। देख लेंगे, फिलहाल बर्फ दो। ए मेरी जी, जरा बर्फ ला के दे। जी मालिक। अच्छा खा जाओगे काऊ का? बहुत तेज नजर है रे तुमरे। तू जैसे दूध का धुला है। जय राम जी की ठाकुर साहब। हाँ जय राम जी की वीर सिंह जी। का बहुत देर कर दी, का पियोगे? नहीं नहीं आज नहीं ठाकुर साहब। का? अरे आप नहीं पियेंगे तो ही खबर अखबार में छप जाए। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब, कल पियेंगे मुकाबला जीतने की खुशी में। जीतने का खुशी में? हाँ वो भी हमरा मुकाबले में। अरे ठाकुर जिंदगी भर इंतजार करो फिर। आप ऐसा करो, आज खुशी में पी लो और कल हारने का गम में पी लेना। ए बुधवा एक ठो ड्रिंक बना ठाकुर के लिए तगड़ा। का रे राम लखन ये का पी रहे हो तुम? बियर पी रहे चाचा जी। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। और तुम्हारी? 23 साल चाचा जी। अरे शर्म नहीं आती तुमका यहाँ बैठ के बियर पी रहे हो? पीने दीजिए ना बाबूजी। तू चुप रह नालायक। ए अयोध्या ठाकुरों का नाक कटवाएगा का? अरे कितनी बार समझाया सुनते ही नहीं। तो दो दे ना कस के झापड़ ससुरा को। ए बुधवा जी मालिक उठा ही बियर का गिलास। जी। और रख हुआ बिस्की का गिलास। बच्चो बना बिस्की। जय राम जी की। हाँ जय राम जी की। आओ आओ जल्दी से ऊपर आ जाओ। ये कौन है? ए उदम। जी मालिक। यहाँ रे ये कौन लौंडा आया रे बैल लेके? ये कहाँ का ठाकुर है? ठाकुर नहीं है मालिक, माधवपुर का बैजू है। बैजू? जी मालिक, जौनपुर सोनपुर के मुकाबले में इसी के बैल तो जीते थे। ए बैजू उठ, अपने बैलों को लेके चलता बन। का है? इस मुकाबले में तू हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? ये ठाकुरों की दौड़ है। तो दौड़ में ठाकुर भागेंगे या बैल? और बैलों की कौन सी जात होती है ठाकुर साहब? जितना बोला ना उतना कर।
बैलों को ले और चलता बन। मैं तो कल हिस्सा लूंगा, ठाकुर साहब सामने खड़े हैं, अगर कह दे कि डर गए तो मैं चला जाऊंगा। छोड़, चल पीछे। जब देखो पागल बैल की तरह मारने को दौड़ता है। देखो बेटे, तुम्हें दौड़ में हिस्सा लेना है जरूर लो, लेकिन ये अपने बैल यहां से खोल के वहां बांधो बाहर। कहा है कि ये सब बैल ठाकुर लोगन के हैं, वो सब लोग बुरा मानेंगे, समझे? जाओ, शाबाश, तुम समझदार हो। चलो मेरे राजा, चल। बैजू, क्या है? खूंटा निकाल और अपने बैलों को लेकर चलता बन। क्या है? कल के मुकाबले में तेरे बैल नहीं तोड़ेंगे। मैं तो कल अपने बैल लेके वहां पहुंच जाऊंगा। सारे गांव वाले के बीच ठाकुर अपनी हार मान ले, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे ठाकुर के मूछों की शान कैसे रहती है। चल जा, आप सोने दे। सुनेगा नहीं तू। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मैं अपने बैल लेके यहां से चला जाता हूं। भोला, कितना सजेगा रे तू? रामपुर जाने की क्या जरूरत है भैया, आज रात यहाँ भी तो मुजरा होगा। अरे यहाँ बाबूजी खुद मचान पर बैठेंगे, हम क्या खाक शिकार करेंगे? रामपुर ही चलते हैं, और वैसे भी नैना जैसी कटीली लौंडिया सारे शहर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये सच है भैया कि उस दुग्गी की याद आते ही खून खौलने लगता है, लेकिन रात भर के 50,000 रुपए भी तो मांगती है। अरे है जेब में, ऐसे थोड़ी जाएंगे हम। कहां से आए इतने रुपए तुम्हारे पास? बाबूजी के तिजोरी की एक और चाबी बना ली है मैंने। भैया मतलब? अरे तू चलना यार, दिमाग की खिचड़ी मत बना, चल। अयोध्या, आज शाम को मुजरा में हारमोनिया पे बैठोगे? अच्छा, मुझे बिठा दो हारमोनिया पे, तुम्हारा मैदान साफ। क्या हुआ? अरे कुछ ना है, अबे दबाना। चाय तो पियेंगे भाई साहब। अरे आज कोई चाय पीने का दिन है, जरा ठंडा बियर भिजवाए दो। नहा कहा नहीं लेते शराब में? प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे जीते रहो। तुम लोग बंधन के कहा निकले? वो रामपुर में हमारा दोस्त है ना, गगन बिहारी सिंह, आज उसकी शादी है। गगन बिहारी? अरे वो रामपुर का पट्टा, 2 हफ्ते पहले भी उसका शादी हुई थी, है ना? वो बाबूजी कहना। अरे हम सब जाने थे, वो का है रामपुर मा एक ठो नई लौंडी आई है, का नाम है उका? हाँ नैना, मुजरा करती है ससुरी, पूरे गांव में चर्चा है उका। 2 हफ्ते पहले भी तुम हुआ है ना वहाँ? हाँ भाजी हुआ थे। जाओ जाओ। अरे रुको, कहाँ भेज रहे हैं इन्हें? अरे जाने दो, जाओ जाओ। जी भाजी। और सुनो। जी भाजी। वो तिजोरी से 50 निकाल लिए थे ना तुम लोग, प्यार से खर्चा करना। जाओ। जी भाजी। अरे बुड़बक, एक ही तरफ दबाओगे तो दूसरी तरफ लकवा मार जाए। तुम काहे मुंह फुलाए बैठी हो? बिगाड़ो बेटवन को, पछताए हो एक दिन। अरे बच्चे जवान हो गए हैं, इनका उम्र में तो हम काका गुल खिलाए रहे, क्यों अयोध्या? ठंडा पिया भिजवाए दो। ए जरा संभल के। Thank you.
ढीला ढाला घाघरा ऊपे तंग तंग चोली लेके आई ऐसन जवानी चल गई ना गोली। अरे हम कब देके जाओ कोनो निशानी, कहाँ लेके जाओगी इन नमकीन जवानी आए। मेरी जवानी किसको मिलेगी? चुमत 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 इसको मिलेगी उसको मिलेगी चुमत चुमत। देखा तनिक पतली कमरिया का झटका, हम तो अटके साला पूरा यूपी बिहार भी अटका। बीस रुपया दो मालिक बच्ची बहुत भूखी। अरे बखत का पैसा मांगने का ससुरा था मालिक ड्राइव कर रहा मालिक बीस उदाम निकाल ऐसे तो कुछ खाया नहीं है मालिक ड्राइव कर रहा मालिक दो रुपया। दिल का करा लो
कारे? तुम लोग अभी तक बैठे हो? कोठा तो बंद हो गया। वो हम नैना के लिए रुके ना। नैना के लिए काहे? आज रात वो हमारे साथ गुजारने वाले है ना। लेकिन वो तो चली गई चौधरी के साथ। ये ऐसे कैसे? 50,000 की बोली हमारे साथ की थी। 50? हाँ। 65 दे गया चौधरी। मगर जबान तो हमको दे थे। भैया ये कोठा है, यहाँ पैसा चलता है, जबान नहीं। जाओ कल रात जाएगी नैना तुम्हारे साथ। ये ठाकुर है हम, और मुझे तुम्हारी ये मेहरबानी नहीं चाहिए। नैना को तो आज ही ले जाएंगे, वरना ये कोठा बंद करवा दूंगा। ए! जवानी गुजर गई ठकुराई देखते। यहाँ कोठे पे सिर्फ चूड़ियाँ नहीं खनकती, पखत आने पर कट्टा तमंचा और रामपुरी भी चलता है। चलो दफा जाओ यहाँ से। ए! देख लूंगा तुझे। ए! नंगा करके बाहर भिजवा दूंगी, चल भाग यहाँ से। बड़े आए कोठा बंद करवाने वाले। चलो रे चलो बैठते हैं, बोतल खोलो। चलो ए चल खड़ा मत रह, इधर आ। अरे तुझे बोला ना काम करने के लिए। ठाकुरान चलिए बोरी उठा। ठाकुरान ये बोरी उठा। ठाकुरान काम कर। पेड़ा मालकिन, पेड़ा मालकिन, पेड़ा ना, पेड़ा ना ले कहीं से। अरे मारत काहे हो उधम, उनका प्यार से समझाओ। प्यार से समझाओ, मारता क्यों है? पायला को मालकिन। प्रणाम मालकिन। नमस्ते। का ठुमका मारती है ये ससुरी। अरे सुबह सुबह भगवान का दर्शन करके आई हो, अब का उधर दीदा फाड़ के देख रही हो? लाओ प्रसाद दो। पहले स्नान कर लो। चलो मिठाई समझ के दे दो। लाओ 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 जल्दी करो। ए सुर्खिया सो गए का? चल। जी जी नहीं मालिक। चल का गर्मी है ससुरी। सुर्खिया जी मालिक। एक ठो काम कर। हाँ। कौनो बढ़िया गड्ढा देख के ये छतरी का गाड़ दे उमा। जी मालिक। इधर आ। का जी मालिक? ससुरा खोली का खोपड़ा जल रहा है हमारा। हाँ। खुद ससुरा पगड़ी बांध के घूम रहा है। ठीक से खड़ा है। हाँ। का उधम काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा मालिक। चूड़ा खाएगा? चूड़ा लगावा साबुन। अरे ठाकुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ए मुनीम जी। हाँ सरकार। यहाँ हुआ? हाँ सरकार। कितना बोरी हुआ? 200 मालिक। और कितना बाकी? 50। तो जाओ जल्दी लदवा, हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ। अरे जाओ मुनीम। अरे छतरी पकड़ ठीक से नालायक। लगावा साबुन। देखो मालिक ये आया भीमा। ठहर राम राम मालिक। अरे भीमा कल रात खलिहान से धान चुराए। हा माफ कर देना मालिक, बच्ची भूख से तड़प रही थी, मांगने पर किसी ने 20 रुपए भी नहीं दिए तो यहाँ चला आया। यहाँ से जाते हुए देखा खलिहान में मजदूर टूटे चावल नाली में फेंक रहे थे, बस मालिक वही चावल अपने गपचे में बांध कर घर लेके गया। मालिक गलती हो गई मालिक, मालिक बच्ची बहुत भूखी थी मालिक। देखो चोरी तो चोरी होता है बीमा, आज तुम चुराए कल कोई और चुराई परसों कोई और चुराई। हाँ? बात तुम्हारा बच्ची का है, ये वास्ते 30 का बजाय 20 कोड़ा मारो तुम। नहीं मालिक माफ कर देना मालिक, एक बार माफ कर देना। इनकी हिम्मत ठाकुर कि तेरे राज में चोरी करे? तुम्हारा बिटुआ कैसे है? अच्छा ये सब कहते थे मुल्क आजाद हो गया है ठाकुर, इनको समझाओ कि इस गांव के इंसान जानवर पेड़ पौधे और ये सारे शंड तेरे गुलाम है ठाकुर। शंड है हम लोग बुधवा शंड है। अरे फेंका हुआ धान भीमा उठा के लेके गया अपनी बच्ची के लिए, और उसकी इतनी बड़ी सजा,
ये माई बाप है हमारे, भगवान है। अरे मंदिर में बैठे हुए भगवान कुछ नहीं करते तो हमें बोलने का क्या अधिकार है? अगर हम सब एक साथ सोचे बुधुआ तो हम कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं। देखो देखो उस पागल माली शिवा को मारो ठाकुर, मारो मारो। कली की तो बात लगती है, उसका बेटा आया था शहर से कृष्णा, बहुत खुश था शिवा माली, अपना पेट काट काट कर उसने अपने बेटे कृष्णा को पढ़ा। काम करके आया मेरा कृष्णा। ये कौन सा काम है शिवा भैया? अरे तुम अनपढ़ लोग, तुम नहीं समझोगे। बी काम का मतलब है 15वीं कक्षा तक पढ़ के आया है। मगर तुम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हो? पेट काटो, पैसे बचाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अरे तुमने तो अपना भविष्य चुन लिया है ठाकुरों की गुलामी करना, लेकिन अब तुम्हारे बच्चों को तो इस गुलामी से छुटकारा दिला। बाप ने मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज, साला शहर से पढ़ के कहा आया है, पूरे गांव का भविष्य बदलने निकला है। खैर उका भलाई चाहते हो तो समझाओ का। जी मालिक। इके बाद कोनो शिकायत मिली तो इस जुतवा के नीचे दबाए के मसल दूंगा ससुरे को। बेचारा शिवा, इसके पहले कि वो कृष्णा को कुछ समझाता उसकी जिंदगी में और एक मुसीबत आ गई। ठाकुर की बेटी का दिल कृष्णा पे आ गया, दोनों जवान थे, पड़ गए प्यार में। नदिया किनारे आओ जाना, आना वही धुन तो सुनानी है तुम्हें। छोड़ो ना, मुझको पता है, जानती हूँ क्या क्या कहानी बनानी है तुम्हें। नदी पे उनका छिप छिप कर मिलना किसी की नजरों से बचने वाला नहीं था। ठाकुर को खबर लग गई। कटवाएगी ठाकुरों का नीच, दोबारा वहां कदम रखा तो टंगड़ियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे जिंदगी भर हमने कभी ठाकुर के सामने आंख उठा कर नहीं देखा, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकुर की बेटी के साथ गाना गाए। बेशरम, आप लोग डरिए ठाकुरों से, मैं नहीं डरने वाला बेटा। शिवा पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठाकुर की बेटी अपना घर छोड़कर शिवा के चौखट पर आ गई। ये क्या हुआ? और उसी के पीछे पीछे ठाकुर और उसके आदमी। ये बाबूजी। चलो मालिक, एक मौका दे दीजिए, मैं इसे हमेशा के लिए शहर भेज दूंगा। उस रोज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ठाकुर की आंखों में कृष्णा का अंत दिख रहा था। दूसरे ही दिन अपने गुस्से पे काबू रखना तुम और शहर में बंद लगा दिखा। तुम कहां से देखने आए हो? ये ठाकुर के पैर पड़ दो, गलती हो गई ठाकुर के। ए ए बस रे, कितना मारोगे उसे? ठाकुर ठाकुर गलती हो गई, ठाकुर माफ कर दो। मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने? नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर, नहीं। ठाकुर साहब क्रियाक्रम में भी नहीं गए अपनी बिटिया। ऐसे आदमी से हम दया की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? चलो काम करो। अपनी काम करने का मन नहीं कर रहा है बुधुआ। क्यों? सुबह से पारू की तबीयत जरा खराब है। हाँ। सोच रहा हूँ कि मालिक से पूछकर जरा जल्दी चला जाऊं। जाओ पूछ लो। ई है हमरे शेर, हमरे अनमोल रतन। मालिक का बात मालिक है? नहीं मालिक, बैलों के नजदीक मत जाइए मालिक। का कौनो चोरी है? का नहीं मालिक, बैल नए हैं ना, पहचानते नहीं। हाँ ठीक है ठीक है मालिक। का वो
वो मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, अगर आप कहें तो मैं घर जल्दी चला जाऊं। मालिक, यहाँ सबका बीवी का तबीयत खराब हो जाएगा तो काम कौन करी है? तो हर बाप बीमार है ना, मर तो ना जाइए। नहीं मालिक, जा जाओ के काम करो। जी मालिक। घरवाली की तबीयत खराब है, कभी बच्चा बीमार है। ए पकड़, सिर झुका दिया। अब बात क्या रहो? मुनिया तमनार, मुनिया पूरे गांव के बाबा है। ए मुनिया, अब तो मुझे मुनिया मत कहो, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे दुर्गा कहो। तू कितनी भी बड़ी हो जाए, मेरे लिए तो मुनिया ही रहेगी ना। मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ने दो, कल हमारी परीक्षा है। बनिया से कुछ सामान लाना था। अच्छा तू पढ़, मैं जाती हूँ। रुको, मैं जाती हूँ। कमर का दर्द और बढ़ाना है क्या? लो पैसे दो, बताओ क्या लाना है। अच्छा ये ले, एक पाव चीनी, आधा किलो प्याज, एक पाव नमक और एक पाव सूजी। ठीक है। अरे लिख तो ले। नहीं मुझे याद है। अच्छा बोल क्या। एक पाव खुशी, आधा किलो आंसू, एक पाव दुख और एक पाव हंसी। क्या पागल जैसी बातें कर रही है। माँ तो समझती नहीं है। देख, एक पाव खुशी मतलब एक पाव चीनी, और आधा किलो आंसू मतलब आधा किलो प्याज, एक पाव दुख मतलब एक पाव नमक। समझ गई। एक पाव हंसी मतलब एक पाव सूजी हलवा बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक। चाप तो लेकर आ, जल्दी आना। हाँ माँ, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ भैया जल्दी जल्दी चलो, बहुत दूर जाना है। पता है ना मैं डरता हूँ, काहे मजाक करते हो बार बार, मर जाऊंगा एक दिन मैं। हाँ तुम भी इनके साथ मिलके मजाक करने लगी। कैसे हो बुरे चाचा? ठीक हूँ। रुद्रा कैसा है? ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? बनिए के पास। संभाल के। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा। एक पाव खुशी, आधा किलो आंसू, आधा किलो दुख और एक पाव हंसी, ये लो बेटा। और थैली कौन देगा रहीम चाचा? थैली नहीं लाई बेटा। तुम भी ना कुछ समस्या नहीं हो रहीम चाचा, जल्दी जल्दी मैं आ गई ना, मैं भूल गई। ओह ये लो बेटा, अगली बार आऊंगी ना तो ये अच्छे लेकर आऊंगी। हाँ। अरे सुन सुन मुनिया, यहाँ आ तो। अब क्या हुआ? चने नहीं चाहिए बेटा? तो दो ना। दे रहा हूँ बेटा, जल्दी दो ना रहीम चाचा, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। ये लो बेटा। शुक्रिया। हाँ बेटा। वो क्या कहते हैं वो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बस चलो चलो, आज जाके देखता हूँ क्या कर रहा है। देखो तो खाली, ए छोड़। अरे चल शुरू हो जा। क्या बात है भैया, फटफटिया शुरू नहीं हो रही है? क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लो चले खाओ। भैया आपने हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो ना भैया, छोड़ो ना, दुख रहा है, छोड़ो ना, मैं बाबूजी को बोलूंगी। माँ मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, दीदी को बनिए की दुकान पर भेजा था, 3 घंटे हो गए। चाचा जल्दी से देख कर आ, तो कहाँ रुक गई? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ मैं जाऊंगा। हाँ बेटा जा। और सुन जरा गौरी के यहाँ भी देखते आना कि कहीं वहाँ तो नहीं रुक गई। अरे चल ना, क्या देख रहा है पीछे बार बार, चल रे, चल बाइक उठा उठा। ए सवे गिरा दिया सड़क, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? चल उड़ा, चल चल। अरे क्या कर रहा है, गधे ठीक तरह से उठा, उड़ा उड़ा। बस 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 बस, चल चल चल। ए मुन्ना कहाँ जा रहे? बाबूजी बाबूजी, दीदी बनिया के पास गए थे, अभी तक घर नहीं आई, तो माने मुझे भेजा है ढूंढने के लिए। सलाम रहीम चाचा। सलाम।
अरे रुद्रा क्या हुआ? मुनिया आई थी यहाँ पे। हाँ आई थी, वो तो कब की चली गई? तकरीबन 3 घंटे हो गए उसे। 3 घंटे? हाँ क्यों, क्या हुआ? प्रेम चाचा वो अभी तक घर नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ चली गई। शायद वो राम प्यारे क्या गई होगी, क्योंकि उसकी बेटी उसकी सहेली है। हाँ मैं वहां देख के आता हूँ। वो माँ एक दोस्त माँ वो जानवर आ गया था ना मोटरसाइकिल के सामने। क्या हालत बना रखी है, जाओ कपड़ा उतार कर कुएं पे आओ, तेल लगा देती हूँ। आ गई दुर्गा? नहीं तुम्हें नहीं मिली? अरे वो बनिए की दुकान से कब की निकल गई? अरे 4 घंटे हो गए उसे गए हुए। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें देख लूं हवेली गई हो? चाहो जरा देखा वहां पे। चल बेटा क्या हुआ पारो, ये वापस क्यों गया? दुर्गा को बनिए के पास भेजा था, अभी तक आई नहीं, उसी को ढूंढने गया है। कहाँ रे रुद्रा? अरे तू आ गया, तने खिया तेल लगा दे बिटवन को। जी मालकिन। का निकला खून? नहीं जाते मालकिन। कौन जानवर का खून लगा के लाए रे? अरे सुनती हो ठकुराइन, ये कौन है? रुद्रा? जी मालिक। अरे तुम्हारा तो जरू का तबीयत खराब था, तुम कह रहे थे जल्दी घर जाना है, वापस कहाँ आ गए? मालिक वो, अरे बोलना जवान कट गई का? मालिक मालिक मेरी मुनिया है ना, वो बनिए के पास गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, सोचा मुझे ढूंढने यहाँ आई होगी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। कैसा आदमी रे तू, मुंह खोल के बोल नहीं सकता था? मैंने कहा तेल लगा तो तेल लगाने बैठ गया, जा पहले जा मुनिया को ढूंढ। सब जगह ढूंढा मालकिन, लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं मिली नहीं, जा जा थाने में रिपोर्ट लिखा पहले। जी मालकिन। और सुन कोनो जरूरत हो हमका बोल दियो। ठीक है मालकिन। दरोगा जी का है? ने वो मैं वो क्या ने वो रबड़ ली बहनी थी। रबड़ काहे का रबड़? दारू पे झगड़ा किया क्या रे? हां ने वो मेरी बच्ची है ना, बाजार गई थी अभी तक नहीं लौटी। वो काहे को पैदा करते हो, काहे को पैदा करते हो जब सामान लग सकता है? काहे को पैदा करते हो? चुप चुप चौबे जी साहब, FIR पे अंगूठा लो, रिपोर्ट हम बाद में लिखेंगे। इधर लगा। बता दे साले, बता। आज ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अरे आज तूने ठर्रा नहीं लगाया ना, एक ठर्रा मार तेरी ठंड उड़ जाएगी। हाँ भाई आज बहुत थक गए हैं, अभी घर जाना है, खाना बनाना है, बहुत थकान हो रही है। चलो चलो भाई जल्दी चलो। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? कोई आवाज आ रही है। पूरे चाचा तुम पागल हो गए हो? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ आवाज तो आ रही है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। चलो 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 ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। अरे कौन है? कोई है? अरे कोई है? कोई है इधर? अरे कोई है? अरे भाई कोई है? हाँ अरे कोई है? अरे वो कालिया, ए रघु आवा आवा। अरे कहाँ है? पारो, पूरा गांव छान मारा, एक एक घर ढूंढ लिया, कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे, मगर यहाँ बैठे रहेंगे। मुझे मेरी मुनिया चाहिए, मुझे मेरी मुनिया चाहिए।
एक काम करो, दरोगा को लेके आओ। दरोगा को क्यों डॉक्टर साहब? जो कहा जाए वो करो, चलो जल्दी करो। जाओ जाओ। क्या प्रॉब्लम है सर? दिखता नहीं रेप केस है, चलो ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। घुंघरू बंधा दे तो आहिस्ते भैया, जरा आहिस्ते दबा, जरा आहिस्ते। चकना, वाह वाह, अंडा चिकन, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है हम पर। सब खाना सब खा तो लूंगा, पियोगे नहीं सब? नहीं ये खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सामने क्यों खड़े हो, खाने तो दोगे? सखिये ने कुछ पैसे के बारे में बताया सब? सहल है इसलिए मेहरबान है, वरना हम भी सोचे कि इतना मेहरबानी हम पर। अरे बता दिया सब, बता दिया सब, बता दिया उसने। घर के पीछे कुएं में छुपा रखा था 50,000, हम जाकर ले आए, लिखा दिया रिपोर्ट में, कुछ नहीं मिला, अब जाएगा 1 साल के लिए अंदर। तो अपना कुछ तो क्या? अरे हाँ, मिलेगा मिलेगा, हमारा पॉलिसी ये है, खाओ दबा के खाओ, मगर भाई जनता को भी खिलाओ। पूरे 5,000 रुपए है, 10% 50,000 रुपए के बांट लो, मजे लो, खेलो। दरोगो बाबू। कौन है, कौन है भाई? मैं हूँ दरोगो बाबू। तू नहीं मिली, तेरी बेटी नहीं मिली, कल आना, जा कल जा। उन्हें तो मिल गई दरोगो बाबू। अरे अरे तो अच्छी बात है, तू यहाँ क्यों आया? क्या है दरोगो बाबू? तेरी मुनिया बहुत जख्मी है अस्पताल में, तो बड़े डॉक्टर साहब ने बोला है कि दरोगा बाबू को अभी लेके आओ। कभी अभी? अरे चौबे। हाँ साहब। बड़ा लफड़ा वाली केस है लगता है, जाना तो पड़ेगा साला, ये भी का ड्यूटी है, आराम से बैठकर पीने भी नहीं देती। चल जूते ले चौबे, चल छेड़ ले मनोज। हाँ साहब। नशे की मैया कर दी, आवा आप ही के लिए जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है सर? डिम चांसेस, शी इज ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू अ कोमा। वो स्कल फ्रैक्चर मुझे परेशान कर रहा है, शी इज हैलुसिनेटिंग, स्ट्रिचेस टूट रहे हैं, आई थिंक रेप इज प्लेइंग ऑन हर माइंड। हर 6 घंटे के बाद उसे कॉम्पोज देते रहना, 5 mg। यस। क्या बात है डॉक्टर साहब, काहे के लिए बुलाया? राम नारायण भरद्वाज, मेरा बस चले तो ये वर्दी उतार कर कटर में फेंक दूं। ये बुढ़ाओ, इसके बाद कुछ बोला ना, एक ऐसा झापड़ मारूंगा कि धोकर जमीन की जड़ ठसा दूंगा साले। उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, मेरे मौसे के साले का भाई होम मिनिस्टर है स्टेट का। सर वर्दी पहनकर बुफ का पगार खाते, जाके देख उस बच्चे की क्या हालत है। She is raped so brutally, multiple fractures in the right elbow, left mandible badly fractured, damaged eardrum, hymen torn and hairline fracture of the cranium. 70 stitches hai badan mein, samjhe tum? I want the rapist behind bars. Mera muh kya dekh rahe ho? Are jao kuch karo. Chal chobe kuch karte hain. Doctor saab, meri muniya theek ho jayegi na? Humne to koshish ki hai. हिम्मत रखो। पर ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब? तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। क्या? क्या? मारो, मारो, मारो। सब्जी लीजिए। ट्राई तो मांग लूंगा मैं। अरे थोड़ा घी डालो चावल पे। नहीं नहीं, वो चर्बी बढ़ती है। अरे कहा चर्बी बढ़ती है, रात भर इतना मेहनत किए हो, थोड़ा चर्बी बढ़ना चाहिए। आप भी ना बाबूजी। उका रहने दो, ये खाओ गर्मा गर्म। आचार नहीं रखा, दिमाग कहाँ है तेरा, जा ले आ। जी मालकिन। अरे बस बस। अरे बच्चू, तेरे हाथियों सोने की चेन कहाँ गई, गिराई दी या बेचा है? वो माँ शायद कमरे में होगी। शायद माँ, वो डाल दो ना। पेट में थोड़ी जगह रखना। हाँ। खीर बनाई है। वाह, बादाम डाले हो। इका
पेट भर गया बाबूजी। का पेट भर गया, इतना सा खाया हो? सचमुच बाबूजी। और फिर वो सूरज सिंह की माँ भी तो बीमार है ना, अस्पताल में। आज रात हम वही जा रहे बाबूजी। अच्छा ठीक है, जाओ उधर खा लेना कुछ। ठीक है जी बाबूजी। अरे ये दोनों कहाँ गए? क्या बच्चों में अरे लाइक किया ना? बोला यही वो जगह है ना? जी भैया। बोला तू यहाँ ढूंढ, मैं वहां ढूंढता हूँ, जा। भैया क्या हुआ, मिला? नहीं भैया, भैया वो लड़की भी यहाँ नहीं दिख रही। अबे साले कोई जानवर खा गया होगा उसे, जो ढूंढने आया वो ढूंढ। हाँ अच्छा भैया। क्या चाहिए? ये क्या हुआ बीमा? बुधवा दुर्गा पर जिन लोगों ने बलात्कार किया था ना, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है। क्या? कौन है वो? रुद्रा क्या हुआ? वो दुर्गा पे बलात्कार करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? कौन है वो? वो अरे बोलना। वो ठाकुर के बेटे बच्चू सिंह और भोला सिंह। का? हम कहे थे ना पेट्रोल को मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, अब गए ना जेल में, अब क्या होगा, क्या होगा? सोचने दे हम का, मर नहीं गए बच्चे हमरे। बिरजू जा वो शर्मा वकील को लेकर जल्दी। जी मालिक। जा उधर रुद्रा को अभी काबिल लेके आ। जी जल्दी। क्या हुआ? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरी मैया, तू जा अंदर, अंदर जा। चल रुद्रा, ठाकुर ने बुलाया। मेरी बेटी अब तक बेहोश है, मालिक से कहना जैसे होश में आ जाएगी वैसे मैं आ जाऊंगा। मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ, तो खुद चलकर मालिक के सामने कहना, चल। अरे रे। बच्चे मालिक, 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 पाँव पड़ता मालिक, मालिक बच्चे मालिक। अरे तू क्यों गिड़गिड़ाते उसके सामने? हाँ क्या करेगा तू, मारेगा मेरे बच्चे को? एक छोटे से बच्चे में अपनी ताकत आप बता रहा हूँ, क्या करेगा? हाथ तो लगा देख मेरे बच्चे को, काट डालूगी तुझे, काट डालूगी। ले जा उसे। चार चल रुद्रा। मालिक मालिक रहने दो, मालिक रहने दो ना उसे अपने बच्चे के पास, हम भेज देंगे कुछ कुछ देर बाद आपके पास, रहम करो मालिक। मैं आता हूँ। चल राम प्यारे अब ये ठीक है, चल चलिए उसे आराम करने जाइए आप, चलिए। कौन बोला था?
था तो अपनी मोटी खोपड़िया इस्तेमाल करने का, तो कहा था रुद्र को लेके यहाँ, सो लेके आने का। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हाथ पांव तोड़ के लेके आओ जा। देखिए ठाकुर साहब, कुछ पैसे देकर रुद्रा का मुंह बंद करवाते हैं, अगर उसने अपनी फरियाद वापस ले ली तो बच्चू और भोला आसानी से छूट जाएंगे। अच्छा, तो ठाकुर अवध नारायण सिंह पर ये नौबत आ गई कि अपने बेटों को छुड़ाने के लिए वो 2 टके के मजदूर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ठाकुर साहब, मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ रुद्रा से बात करने। देख रुद्रा, तुझे इस गांव में रहना है और ठाकुर की छत्रछाया में जीना है, और फिर बात आगे बढ़ा के क्या फायदा है? आज नहीं तो कल ठाकुर पैसों के जोर पे अपने बेटों को छुड़ा ही लेगा, फिर नुकसान किसका? सिर्फ तेरा। तो एक काम कर, ये 5,000 रुपए तेरे पास रख और पुलिस स्टेशन में जाके तेरे रपट वापस ले ले। अच्छा 6 ले ले बस, सिर्फ 6,000। तुम बताओ तुम कितना चाहती हो? मेरी बेटी की जगह अगर तेरी बेटी का बलात्कार हुआ होता तो तू कितने पैसे लेता ठाकुर से? जबान संभाल कर बात कर औरत। चले जा यहाँ से। कहा ना, चले जा यहाँ से ठाकुर के पिल्ले। लूंगा तुम्हें, जिंदगी भर भूखे मरोगे, पाई पाई के लिए तरसोगे। याद रखो, एक रुद्रा ले देख ले तू। तेरी ये नानी मारू, सर फोड़ दूंगा। गंगा मैया। और कितने चाहिए? 70 तो हो गए। अरे आधा तो बांटने शाटने में चले जाएगा, बचे 40-20, उसमें हमारा क्या होगा? अरे भाई, सरकार तनख्वाह भी तो टाइम पर नहीं भेजती और महंगाई बढ़ रही है, आप तो जानते हैं। ये लो। ए वकील, उठा ले रे पैसा। अबे लुटस मची है का? इससे ज्यादा पैसा तो मैं अपने बाप को बचाने के लिए भी नहीं देता। उठा 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 ले। अरे नहीं नहीं, ठीक है, लक्ष्मी आती को ठुकरा देगा। ठीक है, काम हो जाएगा। कब छूटेंगे बच्चे मेरे? सोमवार को चार्जशीट दाखिल करेंगे। सोमवार तो कल है। अरे अगले सोमवार, छानबीन करते दिखाना तो पड़ेगा, इतना खा क्यों कर रहे हो? अगले सोमवार तक ये तो। एक मिनट ठाकुर साहब, ठीक है। और अरे और क्या, आराम ही आराम, हम अपने चार्जशीट में लिख देंगे, क्योंकि ठोस सबूत मिला ही नहीं। मगर उस डॉक्टर का क्या करेंगे? शर्म आनी चाहिए वकील साहब तुम्हें, ऐसे गिरे हुए नीच लोगों के लिए तुम मुझे खरीदने आए हो। 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया उन हैवानों ने और तुम मुझे ₹1,00,000 की रिश्वत देने आए। देखो उन्हें, 2 दिनों से हिले नहीं हॉस्पिटल से, भूखे प्यासे ऐसे ही खड़े हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। माया माया, प्लीज गो अवे। यस डॉक्टर। माया, तुम्हें इनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, क्या हुआ? अभी किसी को भेजती हूँ। तुम खुद जाओ। अभी किसी को भेजती हूँ, ना गो। यस डॉक्टर। वकील साहब आप ही जाओ, शर्मो हया का पानी घोलकर तो पी गए हो तुम लोग। देखो डॉक्टर, 1,00,000 नहीं 1.5 लाख ले लो। शट अप। 1.5 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस 9 साल की बच्ची की इज्जत की? जानते हो क्या गुजर रही उस पर? जिंदा रहे तो नसीब अच्छा उसका। से दौरा पड़ गया। मिश्रा। यस सर। मिश्रा जाओ, सदा साहब जी का काम पर तो जल्दी बिग क्विक। यस सर। माय गॉड, सुन रहे हो ना उसकी चीखे? सुन रहे हो ना, उस हादसे की दहशत अब तक उसे परेशान कर रही। 3 बार स्टेचेस टूट चुके हैं, 3 बार, और तुम मुझे 1.5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? बेशर्म, 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 5 लाख? 1 पैसा कम नहीं। 9 साल की मासूम बच्ची है वो, भूला नहीं। ठीक है। कैसी है मेरी मुनिया डॉक्टर साहब? ठीक है वो, तुम जाके उसके पास बैठो। रुद्रा अकल का अंधा, 5,000 रुपए दे रहा था तो नहीं लिया, तो आज हमने डॉक्टर को खरीद लिया 5 लाख रुपए में, और दरोगा को
1,00,000 रुपए में। सोमवार के दिन जब अदालत में हाजिर होंगे ना भोला और बच्चू, एक पल में छूट जाएंगे दोनों, एक पल में। क्योंकि डॉक्टर अदालत में बयान देने वाला है कि बलात्कार वाले दिन बच्चू और भोला अस्पताल में भर्ती थे किसी बीमारी की वजह से। एक दिन मैंने तुझे कहा था भूखे मरोगे भूखे। और हाँ एक बात और, वो जो अंदर तेरी टूटी फूटी बच्ची पड़ी है ना, अगर वो बच गई तो ठीक है, मर गई तो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है रुद्रा। 4x3 की जगह नहीं मिलेगी तुझे उस छूटने नहीं चाहिए। अपनी मुनिया की चीखें याद है ना, छूटने नहीं चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या ठाकुर हमें जिंदा छोड़ेगा? साथ में जान दे देंगे। पारो मैंने आज तक अदालत देखी ही नहीं है। बाबूजी बाबूजी हमारे पाठशाला के पास है, हम दिखाएंगे। निकल चुका है। दया करो साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई तो तरीका होगा साहब। कुछ नहीं हो सकता। अरे एक ही बात कहता हूँ, तुमको समझाया जाएगा बाबूजी, यही अदालत है। 20 रुपए का स्टैंप और 100 रुपए का स्टैंप दे दो साहब। ये लो। अच्छा पिछला बाकी होगा। क्यों नहीं टूटा ये, आप अपने घर पे जाके अपनी जो उससे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जैसा ये कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लिया आपने यहाँ? ऑर्डर ऑर्डर, जितना तुमको पूछा जाए उसका ही जवाब दे दो। अच्छा वकील साहब एक काम करते हैं। बाबूजी बाबूजी वो वकील है, वो चोर है। मगर इस वक्त मेरे दिमाग का अंडा मत बनाओ मेरे बाप, जैसा खाना वैसा खाओ। ऑर्डर ऑर्डर। वो कौन? वो जज है। वीरन का इंजेक्शन दे देना। यस सर। शाम को मुझे। नमस्ते। नमस्ते, आपका कुछ काम था? क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आंख नहीं मिला पा रहे तुम? कल तक तो तुम भगवान थे हमारे लिए, इतना कुछ किया तुमने हमारी मुनिया के लिए, हम तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते। मगर आज कुछ पैसे के लिए खुद को बेच डाला, अपनी डॉक्टरी जात को बेच डाला, हम सबको बेच डाला। शी, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम।
और एक बात सुन लो, अपनी बीवी बच्चों को ये मत बताना कि ये पैसे तुम्हें कहां से मिले, वरना थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। अब जाओ, या नहीं खबरदार जो मेरी मुनिया को हाथ लगाया तो निकल जाओ यहां से। बेशरम। देखा है अदालत? हाँ, कल सुबह की पहली बस पकड़कर मुझे शहर जाना होगा। मुनिया कैसी है? जैसी थी। रामनारायण। अबे ओ राम नारायण, कहाँ बुलाए रहे हमको? राम नारायण बुलाया। चल सिगरेट ला। क्यों, तेरे बाप की शादी है क्या? ये बाप का नाम नहीं लेना, समझा? चल चिरकाट, हमको भी राम नारायण न बुलाने का, समझा? साफ बुलाने का साफ, वरना एक कैसा मुक्का मारेगा ना, पेशाब बंद कर डालेगा तुम्हारा। चल साफ। दो दिन लगेंगे शहर से आने में। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। डॉक्टर बाबू, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, दो दिन वो मेरी दुर्गा। बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या हो रही बुधुआ? दो तीन दिन के लिए बाहर जा रही सुना, इसलिए खाना लेके आया। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में, मैं खाना कैसे खा सकता हूं? खबर तो करनी होती, लखनऊ से घर आया तब पता चला। कैसे हुआ ये? क्या बताएं, हो गई भूल उनसे, किससे नहीं होती है अयोध्या। पर असल मुसीबत की जड़ है वो रामपुर की पतुरिया। नैना गए थे उका ठुमका देखने, 50,000 ले भी गए थे उका देने के लिए, मगर उस हसरी जबान देके किसी और के साथ चल पड़ी। उकसा दिया इनका गरम खून, ऊपर से चढ़ाए थे बोतल। अब नशे में कहा पता चलता है कि 9 साल की है या ससुरी 90 साल की है। लेकिन अपने बच्चे वहां थाने में कहा करें, ये दिन भी देखना था। ठाकुर साहब, कारे का बात है, कौन है ये ससुरा? यही तो है ससुरा, इसी ने तो छोटे मालिक की खबर अखबार में छपवाई थी। बच्चे है, ए, हट, छोड़ू का, जब देखो अपनी ताकत अजमाता रहता है मूर्ख। जानता नहीं अखबार वाला है वो, कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो फंस जाएंगे बच्चे मेरे। जा जा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, सोमवार तक तो का कुछ नहीं होगा। जाओ बेफिक्र होके जाओ, जाओ। और सुन, सोमवार के बाद पाताल में भी छुप गए तो वहां से भी निकाल कर टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा तोरे। अबे जा। और सोमवार के बाद ऊ जिंदा रहा तो तू मरेगा, याद रख। लेकिन सोमवार तक उसे क्यों जिंदा रहने दिया अवध?
अरे सोमवार को छूटेंगे ना बेटे मेरे। लेकिन इतने दिन थाने में रह पाएंगे? कोनो चिंता नहीं, हम सब इंतजाम किए हैं। क्या बात है छमिया। हमको तो इश्क आपका, हमको तो इश्क आपका ऐसी सता रहा है, हमको तो इश्क आपका ऐसे सता रहा है। रुक रुक के तीर, रुक रुक के तीर जैसे सीने में जा रहा है, हमको तो इश्क आपका ऐसे सता। गाना क्यों बंद किया रे? खेल खत्म। पैसा आ जा, चल चल कर छोड़ उसको, छोड़ चल आ जा छम्या। ऐसे कैसे बाऊजी ने रुपया नहीं दिया का तो है? नचवाने के लिए सुनना चले छम्या, तेरे अय्याशी के लिए कोठा नहीं है, पुलिस थाना है। चौबे जी साहब, ले जा इनको अपने बेडरूम में। चलो चल चल चल, देखता क्या देखता क्या, चल। सांड, अपना राइफल पकड़ और तू भी जा भाई, जा जा चल। क्या नाम है आपका? नैना। अरे बेंजी, आ पांडे। हाँ साहब। जरा बेंजी को कोठे ते लेके जाना जी। अबे बुर्बा की नहीं हूँ, उधर चलिए। चले। ये है बच्चू सिंह, ये है भोला सिंह। अभी अभी तुम इस पे और तुम इस पे मूतना, तुम इस पे मूतना, चलो निकल, चल मूत। राम राम रुद्रा भैया। बाबूजी, बाबूजी। माँ कहाँ है? अंदर है। पारो, ए पारो। तुम आ गए? हाँ। वो
वो ले आए? हाँ। ये लो। ये क्या है? काम होने के बाद यही डालना पड़ेगा ना खाने में। हाँ। माँ ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बताओ ना। बोलो ना ये क्या है? डर रही हो पारो? नहीं, वैसे भी सोमवार के बाद ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम अदालत कब जा रहे हो? आज, अभी। कल और परसों अदालत बंद है ना। सोमवार को ठीक 12 बजे सामान वाले कमरे में बच्चों को लेके आ जाना। और हाँ, किसी से दाल भात भी ले आना। आखिरी बार मिलके खाना खाएंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुझे जाना होगा। अदालत बंद होने में बहुत कम समय बाकी है। ले, एक और टंगड़ी खा ले। बस बहुत हो गया बाबूजी। अबे खा ले, चार दिन में सिकुड़ गए हो दोनों। सोमवार को यहाँ से छूटने के बाद 2 हफ्ते तक घर का खाना खाओ रोज। सेहत ठीक करो, चलो खाओ। आए खाओ बाबूजी। वो बच्ची कैसी है? अरे उम्र भी गई तो का है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दोनों के छूटने के बाद रुद्रा को जम के ठीक करना है। रुद्रा से तुम दूर रहो ठाकुर। तुमने अपने बच्चों को बचाने के लिए पैसे दिए थे तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। अब रुद्रा के लिए तो और मुद्रा चाहिए। चल छोड़ दिए रुद्रा का, वैसे भी मरा हुआ। लगी ना? ले तू खा, ये तेरा।
मेरा नाम रुद्रा है माई बाप। बहुत गरीब आदमी हूं मैं। 9 साल की मेरी मुनिया दुर्गा नाम है उसका। इन दो जानवरों ने बलात्कार किया है उस पर। अस्पताल में बेहोश पड़ी है मेरी मुनिया। हाथ पैर तोड़ डाले इन दोनों ने। डर के मारे बेहोशी की हालत में भी तड़पती है वो। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? अगर वो ठीक भी हो जाए ना मैं बाप, तो क्या वो ये सदमा भूल पाएगी? और जिसने उसकी यह हालत की है, वो सामने बैठ के हंस रहे मुझ पर। हंस रहे देखे ना, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर और दरोगा को खरीद लिया है मैं बाप। क्या यही इंसाफ है मैं बाप? क्या यही इंसाफ है मैं बाप? इन दो जानवरों ने बहुत ही घिनौना अपराध किया है। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो काफी भीड़ होती है ना, कुछ ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं छुप सकूं। कोरट के बाहर नहीं, वहां तो ठाकुर के आदमी रहेंगे। और कुछ सीढ़ियां, सीढ़ियां ठीक रहेंगी। उन्हें ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना सीढ़ियों से। रामशरण, ओ रामशरण, अरे तो नहीं आओ तो कहा है चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो नहीं आवाज कैसी है? आ? अरे अभी तो आ रही थी, फिर भी क्या आया ना? चल, अरे नहीं, चल। ये कार में नींद खराब कर दी। जल्दी हाथ चला, ससुरा ताजमहल बना रहा का? देख उतार बाहर निकला है, उगा ठीक कर। ये सजावट काहे करवा रहे हैं? अरे हमरे बेटे घर वापस आ रहे हैं। कौनो युद्ध जीत कर आ रहे हैं? तो तुम क्या कहना चाहती हो ठकुराइन? वो पीछे से चोरों की तरह आए हैं? अरे शान से आएंगे पूरा गांव के सामने एकदम। जी जा, कोरट का टाइम हो गया, जा हमरे बेटों को लेकर आ जल्दी से। वकील साहब, नमस्ते नमस्ते।
लगू मालिक। ये प्रेमदत्त के बच्चे का फाइल लेके आना कपाट से। कुछ ज्यादा ही चौड़ा गड्ढा करके गया है। ऐसन मारा मेरे बच्चों को। डूम डूम ऐसन मारा। अरे बोलते काहे नहीं, ऐसन मारा का मेरे बच्चों को, ऐसन मारा। रुद्रा पा गया। पहले रुद्रा का क्रियाकर्म हुई, उसके बाद मेरे बच्चों का क्रियाकर्म हुई। उसके बीवी बच्चों को उठा के ला अस्पताल से, उठा के ला उसके बीवी बच्चों को। और भोला सिंह दोनों को मार डाला पारो। मार डाला। तू बच्चों को लेके यहाँ से भाग जा पारो। तुम बाहर नजर रखो, मैं उन्हें अकेले आती हूँ। लड्डू बांटो लड्डू। चल चल। मर गए रे ठाकुर के बच्चे। आज तो दशहरा है मेरा, एक के बदले दो ठाकुर। अब तू भी सहरा बच्चे का मरने का दुख। लड्डू बांटो। साबू में जाने दो। पारो। जाओ जाओ जाओ। पारो पारो पारो। जाओ। वो ठाकुर क्या भी आ रहे? तुम भाग जाओ पारो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चल चल जल्दी। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ तू। कहाँ गई वो कुतिया और उसके पिल्ले? चले गए। तूने उसे जाने कैसे दिया? उनके बच्चे थे, मैं कैसे रोक सकता हूं? चल। हाजी बेटा, दरवाजा बंद कर दो। पारो,
तू पहले दरवाजा बंद कर दो। पारू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बस रुद्र, बस। बात लाइक। दे तू मुन्ना। जहर की शीशी। उसी में। तुम्हें बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। चुप करो। मुझे दो। दे रही हूँ मैं सबको दूंगी। पहले मुझे दो। पहले मुझे। अच्छा 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 ठीक है। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मैं सबसे पहले दूंगी। मुझे करती है। अबे चुप। अच्छा आंखें बंद करो। सब आंखें बंद करो। हाथ आगे करो। ठीक है जिसे मैं प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा उसे मैं सबसे पहले दूंगी। आंखें नहीं खोलना अभी। अभी आंखें नहीं। अब खोलो। मुझे करती है। इसका क्या मतलब है बाबूजी? अब कुछ समस्या नहीं हो। इसका मतलब है माँ सबका एक जैसा प्यार करती है ना माँ? मुनिया सबसे समझदार है। मालूम था तुम लोग यहीं होगे। चलो का प्रोग्राम बना रहे हो बैठे? चलो भाई चलो थाने। आप इसे कहाँ ले जाएंगे? इस खाने में जहर है। इसे खाके तुम वैसे भी मरने वाले हैं। इसे ले जाएंगे तो कानून इसे मार देगा। और ठाकुर के आदमी मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ कम से कम मौत में तो साथ रहेंगे। देखो तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम सबकी जान बच सकती है। भैया हमका दूध से धुला हुआ इंसान तो नहीं। अच्छा बुरा सही गलत सबकी पहचान है हमको। और एक आपस की बात, जो तूने किया वो सही किया। हाँ और वैसे भी तो रपट हम ही लिखने वाले हैं, तुम्हारे रपट। चलो अभी। अरे भैया इनकी फिक्र मत करो, इनका सब बंदोबस्त कर दिया हमने। चलो चले चलो। अरे आवा जाना जरूरी है। सब जा चल जल्दी मिलकर आ। जल्दी मुनिया 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 बाबूजी मुनिया बाबूजी मुझे मुझे छोड़कर मत जा। मुझे मुझे डर लगता है। कुछ नहीं मैं आ गया हूँ ना। मैं आ गया हूँ ना।
रुद्रा चल रुद्रा, ठाकुर और उसके आदमी आने से पहले थाने जाना जरूरी है। चौबे जी साहब, तुम इन सबको लेकर बस्ती जाओ, वहां तैनात रहना। अगर ठाकुर और उसके आदमी आए तो सीधे गोली उनके खोपड़ी में ठास देना, समझे? बाद में देखेंगे। क्या जी साहब? चल रुद्रा चल, चल रुद्रा चल। ये लिखा बारो, खाना खा? नहीं। ए, खाना खा। देख तू नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते। ए, आजा। लो खा, खा। तुम भी खा लो। हाँ भाग, पारू। मैं भाग, मैं खाई के रास्ते जंगल चली आ। जल्दी करो, जल्दी भागो, आओ जल्दी आओ, संभाल के आना। पर संभालना किधर है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ए, 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 उधर देख, किधर क्या है? ए, हट, ए, ए, पारो बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए पारो बच्चे? खाई में सरकार। हट। क्या हुआ शिवा? हुआ शिवा? शिवा हुआ? क्या हुआ शिवा? पारो और बच्चे? पारो खाई से जंगल में भागे। हाँ? जंगल में। मैं भी जंगल जाता हूँ। हटो, हटो शिवा। शिवा, हे शिवा। बुधवा थाने चलते। हाँ? रुद्रा को ये बताते। हाँ? चल, हाँ, जाओ, जाओ। रुद्रा, 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 क्या हुआ? रुद्रा, पारो भाभी और बच्चों के पीछे ठाकुर के आदमी पड़े, वो खाई के रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे। उन्हें बचा लो रुद्रा, उन्हें बचा लो, बचा लो रुद्रा। अरे मिश्रा जी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। सौ बार जन्म नहीं मिलता, मिलता है एक बार। रिश्ते खून के नहीं बनते बार बार, लुट जाए मिट जाए कट जाए इंसान रिश्तों के लिए। क्या सोच रहा है रुद्रा, दिखा प्रलय की मुद्रा। क्या सोच रहा है रुद्रा, दिखा प्रलय की मुद्रा। क्या सोच रहा है रुद्रा, दिखा प्रलय की मुद्रा। अरे उतर, ढूंढते हैं। हटे, जाएगी कहाँ? यहीं पे छुपी होगी। आंख तीसरी खोल दे, दुश्मन को ये बोल दे। Keep on.
मेरे साथ। चल रुद्रा, तेरा खेल खत्म अब। पारों को और बच्चों को छोड़ दे उधम। पारों को और बच्चों को छोड़ दे उधम। नहीं छोड़ता। क्या करेगा? ताकत आजमाएगा? रुद्रा में शायद इतनी ताकत नहीं उधम, लेकिन एक बाप की ताकत को मत आजमाना। अच्छा? मालिक का हुक्म नहीं होता ना, तो तुझे चीर डालता। चल, चल। चल रुद्रा, मार डाल उसे। चल चल मार। अरे चल मार। रुद्रा मालिक, मालिक वो। अरे कहाँ मालिक मालिक कर रहे हो? कहाँ है रुद्रा? मालिक वो रुद्रा ने उधम को मार डाला। साला 20 लोग गए थे ऊका जंगल में पकड़ने और तुम दबाकर भागा है। कहाँ है रुद्रा? नहीं मिला तो तुम सबकी लाशें टंगवा दूंगा बाहर, समझा? जी मालिक। रुद्रा
तो मैं आपका भेजा उड़ा सकता था मालिक, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अनखाया मैंने आपका, आपके बेटों ने मेरी मुनिया पर बलात्कार किया, मैंने दोनों को मार डाला, और इसका मुझे कोई दुख नहीं मालिक, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई भी बाप होता तो वो भी यही करता। मैं जानता हूं कि कोरट की नजर में यह गलत है, और इसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, और बच्चों को जीने दो, उनकी तरफ आग भी उठाकर मत देखना, ये मेरी विनती आपसे। रुक रुद्रा, तुम पारो और बच्चों को लेकर भरतपुर जाओ, वहां हमारे भाई साहब हैं ठाकुर बीरेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारी मदद करेंगे, और वही अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देना। पर भरतपुर तो बहुत दूर है यहां से। आधा घंटा में रेलगाड़ी छूटती है भरतपुर के लिए, तुरंत निकलोगे तो पहुंच जाओगे। जाओ। ठाकुराइन, दरवाजा खोलो, हम वचन देते हम कुछ नहीं करेंगे, दरवाजा खोलो। ए ठाकुराइन, दरवाजा खोलो, नहीं तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारे। अरे मार डालो, पैसे भी कहाँ रखा है इस जिंदगी में, बेटी मर गई तो जवान बेटों की लाशें पड़ी हैं बर्फ घर में, क्रिया कर्म किए बिना। अरे कोई है, दरवाजा खोलो ठाकुराइन। जय राम जी की। अमर साहब, कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं साहब, बच्चों के खातिर भरतपुर जा रहे हैं साहब, रुद्रा वहीं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। अच्छा, अब उस ठाकुर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा? अरे स्वर्ण लाए उसके नाम। क्या साहब? क्या साहब? अरे तुम नहीं समझोगे। चलो चलो, जाओ जाओ, जय राम जी की, जाओ जाओ। राम राम साहब। मालिक, रुद्रा ने हमको मार डाला मालिक। मालूम है हमका, वो यहाँ भी आया था, अब रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब हमरा बात ध्यान से सुनो, आधा लोग रेलवे क्रॉसिंग पे जाओ और ट्रेन रोक के उमर चढ़ जाओ, और आधा लोग स्टेशन के वास्ते जाओ, हो सकता है रास्ते में मिल जाए, जाओ। अरे रुक जाओ। ठकुराइन, ठकुराइन। रुक जाओ। मैं तो भरतपुर जा रहा हूँ अपने आप को पुलिस के हवाले करने।
रुद्रा, सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बोलो। बाबूजी, वो गाड़ी गाड़ी पिछले स्टेशन से निकल पड़ी है, आ जाएगी। चलो तुम बैठो। अरे नहीं, चलो बैठो। जयराम जी की ठाकुर, बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे हमारे ही दो आदमी को मार दिए, अब सड़ोगे जेल में तुम। ये देखो कालाए हैं, अरेस्ट वारंट। बहुत मस्ती चढ़ गई है। अरे भाई तुम्हें चढ़ी है। अरे हमरे खिलाफ वारंट लाए हो, अगर तुहार वर्दी ना उतारी तो हमारा नाम भी अवध नारायण सिंह नहीं। वो तो बाद में, अभी इधर से चलते हो कि चमड़ी उधेड़ के की तरह घसीटता हुआ ले जाओ। तुझे मारने में मुझे दुगनी खुशी होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तू है। अरे मूर्ख है तू ठाकुर। अरे भाई, भरी हुई पिस्तौल हम अपने पास कभी नहीं रखते, भरोसा नहीं तो चला चला चला। अरे चला। अरे बुर्बक, पुरानी आदत है हमारी। मैं हमेशा पहला खाना खाली रखता हूं। बड़े दुख की बात है कि तुझे मार कर अपनी वर्दी से हाथ धोने पड़ेंगे, मगर तुझे मारने का नशा उसे ज्यादा होगा। कई धोखा, पीछे से गोली। आत्मानं सततं रक्षेति विष्णुं धर्मेण।
मार मार के थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ये हमें जीने नहीं देगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रुद्रा ने जो कुछ किया वो कानून की नज़रों में अपराध है, परंतु जिन परिस्थितियों में रुद्रा ने एक कदम उठाया उसे ध्यान में रखते हुए ये अदालत रुद्रा को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है।